बट इसको मैं हाथ लगाना चाह रहा था। फिर मेरी चंदू भैया से बात हुआ कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बुलाया, काफ़ी बार फ़ोन में बहुत बार बात हो चुकी थी, पर उन्होंने बोला कि एक बार आके आप देख लो करके। तो आज सुबह जब मैं आया, कोई डैशबोर्ड को कुछ हाथ नहीं लगाया गया है, साइड से वायर उन्होंने बड़ी सफाई के साथ जो है अंदर डाली हुई है मेरा, क्योंकि एम्स बड़े थे तो इन्होंने पीछे की साइड में लगा दिया है करके, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा काम रहा है, साफ़ सुथरा। सो गाइस, ड्रीम ऑडियो के तेरे नई वीडियो, आज हमारे पास है होंडा एलिवेट, ये फर्स्ट इन इंडिया रहने वाली है। इसके अंदर हम ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियो में अभी हम फ्रंट कंपोनेंट लगाएंगे और एक सिक्सन एम्पलीफायर लगा रहे हैं और एक मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं। सो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, फ्रंट हमारा कंपोनेंट रहता है ऑडिबल फिजिक्स, और जो हम इसके साथ सिक्सन एम्पलीफायर लगा रहे हैं वो हमारा एम्पलीफायर रहता है ARC ऑडियो, और इसके साथ हम DSP अपग्रेड कर रहे हैं जो आपका मेड इन जर्मन है, हिलिक्स 8 चैनल का DSP लगा रहे हैं, और उसके साथ हम लगाएंगे कंट्रोलर, ये भी आप लोगों को फिटिंग दिखाएंगे। और जो हम सेटअप कर रहे हैं इसमें हम फ्रंट 3-way एक्टिव सेटअप करेंगे और एक पीछे सबवूफर रखेंगे और एक्टिव करेंगे। जैसे हमारा 8 चैनल DSP है तो हम 6 चैनल यूज करेंगे फ्रंट स्पीकर पे, 2 चैनल यूज करेंगे सबवूफर पे, और रियर जो हमारा डोर है उस पर हम कुछ नहीं डाल रहे अभी। अगर हमें रियर डोर डालना होगा, हमारे जो भैया गाड़ी वाला भैया उसको बस फ्रंट स्टेजिंग चाहिए, कह रहे हैं रियर कोई गाड़ी में बैठते नहीं है, तो पीछे हमारा अभी रियर स्टॉक ही स्पीकर चलेगा, और आगे हम पूरा एक्टिव कर रहे हैं। और हमें मिड रेंज भी अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, मिड रेंज हम बाद में ऐड करेंगे, अभी हम 2-way को एक्टिव करेंगे, जो फ्रंट 2-way लगाएं, ट्विटर और मिड बेस और सब वूफर। तो अभी हम 2-way एक्टिव कर रहे हैं, 3-way के हमने ऑप्शन छोड़ दिया, हमने तो वायरिंग भी कर दी है, बस हमें कल को अभी आज पिलर पोर्ट नहीं बन पाया, तो हफ्ते 10 दिन भैया आएंगे दोबारा हम इसे कस्टमाइज पिलर पोर्ट बना के और फिर इसके अंदर मिड रेंज लगाएंगे, जो काफ़ी अच्छी और आउटपुट मिलेगी, तभी 2-way के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हमारा रहता है DSP जो आप लोगों को बताया था, और एक्टिव सेटअप हो रहा है, सारा फिटिंग भी दिखाऊंगा। और अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमें जो वायरिंग करी है, अब जैसे कि हमें 2 एम्पलीफायर करे तो हमें 2 वायरिंग डालने पड़ती है 4-4 gauge की, तो इसमें हम क्या प्लान किए हैं, एक 0 gauge डाले हैं, उससे पीछे डिस्ट्रीब्यूशन लगा के वहीं से दोनों एम्पलीफायर को पावर दे दिए कि ज्यादा गुलजन नहीं हो, वायरिंग थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाए। तो हमने जो 0 gauge की वायरिंग डाली है ये भी हमारा OFC रहने वाला है। और जो ब्रांड की बात करें जो काफ़ी अच्छी है कनेक्शन की, सो आप लोग दिख रहे होंगे, और जो स्पीकर वायर यूज करें हमने, स्पीकर वायर भी हमारा 16 gauge का है और OFC है। तो आप लोग को चलते हैं गाड़ी में कैसे क्या वायरिंग करी है, मैं आप लोग को सारा फिटिंग भी दिखाता हूँ और आउटपुट भी सुनाऊँगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, और जो डैम्पिंग करी हमने इसमें सिटी के गोल्ड करी है, ये डैम्पिंग हमारा सिटी के गोल्ड रहता है, और इसमें डबल ए डैम्पिंग करी है, एक अंदर एक बाहर डबल ए डैम्पिंग करी है। और जो ट्विटर है, ट्विटर के मोड दिखाया तो आपको मैंने पूरा, पर जैसे हम कस्टमाइज पोर्ट बनाते हैं उस हिसाब से कंपनी इसके ट्विटर का जो जगह दी हुई है उस हिसाब से एंगल माउंट कर दिए। और जो मिड बेस है, आप लोगों को मिड बेस की फिटिंग भी चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी फिटिंग करी है। और जो रियर डोर है, रियर डोर में हमने डैम्पिंग करी है, लेकिन स्पीकर हमारा स्टॉक ही है। सो आप लोग को जो सामान दिखाया था आप लोग चेक कर सकते हैं, सबसे जनरली की जो फिटिंग मीटर करता है, वायरिंग मीटर करता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो आप लोग को दिखाता हूँ बिल्कुल, हम जो MDF बोर्ड के रैक बनाते हैं, रैक के ऊपर हम एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा लगे, किस हिसाब से फिटिंग बेटर हो कि आपको कस्टमर को कंप्लेंट ना आए और कई तरह से दिक्कत ना आए। तो आप लोग फिटिंग चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन फिटिंग करी है। और जो मैं आप लोग को 0 gauge वायर दिखाया था, आप लोग चेक कर सकते हैं 0 gauge, ये मैं दिखाता हूँ, ये 0 gauge है, और यहाँ से 2 4 gauge वायरिंग हमने एम्पलीफायर पर ले ली है। जो सारे वायरिंग के आप लोग फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, काफ़ी मतलब अच्छे टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन जो आपके काम की है बिल्कुल फिनिशिंग से काम करते हैं। जो एम्पलीफायर हमें रेक बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं एक्स्ट्रा, जितनी उतनी में गाड़ी फिट हो जाते हैं, जितनी देर में एम्पलीफायर के रेक बनाते हैं उतनी गाड़ी में अगर बात करोगे नॉर्मली सीट के नीचे अगर कहीं एम्पलीफायर लगाते हैं उतना टाइम लग जाता है। तो जो हम सीट के नीचे भी एम्पलीफायर लगाते हैं, इसलिए हम कि पूरा ही MDF के रैक बना के लगाते हैं कि किसी तरह से दिक्कत नहीं आए, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है लेकिन काम के फिनिशिंग और कभी कंप्लेंट नहीं आती, इसीलिए 100% मैं MDF की बोर्ड बना के ही एम्पलीफायर लगाता हूँ। तो आप लोगों को फिटिंग चेक कर सकते हैं। जो वूफर कनेक्टर है मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, जो वूफर कनेक्टर के फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कि वूफर काफ़ी निकालने में आप लोग इजीली होता है और लगाने में बिल्कुल आसान, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट दिक्कत नहीं होता है। और मैं पूरी गाड़ी पैक करने के बाद आप लोग को आउटपुट भी सुनाऊँगा कि कैसे आउटपुट आ रही है और बताऊँगा अभी। तो चलते हैं पहले गाड़ी के डोर्स वगैरह पैक करते हैं। तो सो गाइस, पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं
जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, जो इनकी फिटिंग करी काफी जबरदस्त, जो हमारा भैया था बिल्कुल न्यू गाड़ी ले घबरा रहे थे, लेकिन जो भैया का बिल्कुल दिल खुश हो गया फिटिंग देख के, काफी मजा आ गया। तो मैं जो गाड़ी वाला भैया उनसे ही मिलवाऊंगा, और सबसे पहले आप लोगों को मैं आउटपुट सुनाता हूँ। और जो हमारे भैया है उनसे जो बिल्कुल मतलब डर रहे थे काम कराने में, तो हम चलते अंदर। जो हमारे गाड़ी वाला भैया उनको काफी मजा आ गया, तो अंदर मैं भैया से मिलवाता हूँ आपको, चलते हैं। तो आ चुके हैं वो भैया के पास। जो हमारे भैया क्वेश्चन है गाड़ी काम करवाने से पहले, जो इन्होंने फोन पर कई बार बात किया कि इनको नई गाड़ी देखते हुए मतलब कि किसी ने किया होने थे गाड़ी में काम, तो इनको डर लग रहा था कि ऑडियो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने भैया से हमारे बात हुई, तो हमने बोल दिया भैया गारंटी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, हम जो वायरिंग करते हैं, जो बिल्कुल प्लग एंड प्ले करते हैं, जो स्पीकर के भैया सारे कपड़े लगाते हैं, जो स्पीकर वायर है सारे हम अलग से वायरिंग डालते हैं, कि जो कंपनी फिट एडमिट है उसको हम बाहर नहीं खोलते हैं। तो उसी हिसाब से भैया से हमने बात करें। अब आगे हमारा भैया बताएगा कि भैया बताओ कैसे काम हुआ आपका। बहुत बढ़िया जी, मतलब मैं ये नई गाड़ी ली हमने, होंडा की गाड़ी ली बाहर की, विदेशों गाड़ी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप कहाँ खुलवाएं, किसके पास जाएं, ये बहुत डर लगता है। मेरे पास पुरानी गाड़ी थी जिसमें मैं हॉर्न चेंज करा दिया, लाइट चेंज करा दी, स्पीकर्स काफ़ी कुछ करा दिए, बट इसको मैं हाथ लगाना चाह रहा था। फिर मेरी चंदू भैया से बात हुआ कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बुलाया, काफ़ी बार फ़ोन में बहुत बार बात हो चुकी थी, पर उन्होंने बोला कि एक बार आके आप देख लो करके। तो आज सुबह जब मैं आया इनसे बात किया, थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फेक्शन लगा, कंफर्टेबल लगा, तो फिर हमने ये सेटअप पूरा करवा लिया है अपना पूरा यहाँ पे। नहीं, जिस हिसाब से मैंने आपको वायरिंग करे हैं, जो स्पीकर वगैरह था, आपको कहीं डॉट हो रहा है, कंपनी गारंटी वर्ड करेंगे? एकदम नहीं। जो आपकी कंपनी हेड विंडोज को भी नहीं खोले हमने? ना, एकदम नहीं। कोई डैशबोर्ड को कुछ हाथ नहीं लगाया गया है, साइड से वायर इन्होंने बड़ी सफाई के साथ जो है अंदर डाली हुई है मेरा, क्योंकि एम्स बड़े थे तो इन्होंने पीछे की साइड में लगा दिया है करके। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा काम रहा है, साफ सुथरा। तो बस यही चीज़ है कि देखो, जो काफ़ी दुकान है लेकिन हर कोई क्या करता है कि सारा काम करता है, लेकिन मेरा बस एक काम है कि ऑडियो करता हूँ। तो जिस हिसाब से प्रोफेशनल में वीडियो में दिखाता हूँ, उससे अच्छे तरीके से करके देता हूँ कि हर काम वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ। हर कोई हिसाब से वायरिंग भी नहीं कर पाते नहीं। जो हर सीट कवर भी लगा रहे हैं, फिल्म भी लगा रहे हैं, हॉर्न भी लगा रहे हैं, तो उनका हर जगह दिमाग है कि भैया ये काम भी कैसे करना है। मेरा बस एक ऑडियो पर दिमाग है कि हम कितना अच्छी वायरिंग करें कि किसी गाड़ी में हमिंग ना आए, अर्थिंग ना आए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई एम्पलीफायर खराब ना हो। तो उस हिसाब से हम काम और धीरे धीरे हम अपग्रेड करते हैं, या मैं ऑडियो करते तो हम कितने प्रोफेशनल काम करें कि हमारे पास हमारे भैया आके काम करवाए। जिस हिसाब से आपने वीडियो देखे थे, बात हुआ था, उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं लगा? कोई एकदम कोई डाउट नहीं। अब फिटिंग के साथ ये लग रहा है कि मेरी गाड़ी भी सेफ है और जो चीज़ का सामान लगा है वो भी सब सेफ है। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोलोगे ना ड्रीम ऑडियो पाने के लिए? नहीं, एकदम बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, हम बोलेंगे, अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे, वो काफ़ी बढ़िया काम रहा। तो बिल्कुल आप लोग भैया ऐसे सपोर्ट करो। तो और जो मेरा जो हम दुकान के एड्रेस है, कहीं लोग आप दूर से काम करवाने आते हो, तो सबसे इजीली चीज़ है काम की अगर क्वालिटी और चेक करना है, तो ड्रीम ऑडियो के हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी है, ड्रीम ऑडियो 0207। आप लोग वहाँ भी हम रील वगैरह डालते हैं, रिकॉर्डिंग भी डालते हैं, जो रियली आउटपुट की होता है। इसमें तो NCS गाने डालते हैं कि इसमें उतनी आप आउटपुट की पता नहीं पड़ेगा। जो हम पंजाबी गाने से गाने रिकॉर्डिंग डालते हैं, वो भी आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं, फिटिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह आप लोग काम, जो मेरा लोकेशन है रमेश नगर है, ओपोजिट पिलर नंबर 343 के सामने है, मेट्रो की मेन रोड की दुकान है। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211122007, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग कहीं दूर से आते हो तो आप मैप पे भी डाल सकते हो, ड्रीम ऑडियो बाय चंदू, तो आप मैप के थ्रू भी आ सकते हो। तो अब करते हैं वीडियो का एंड भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।